वेलकम टू SBS ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस देखने के लिए इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि SBS पे ऑनलाइन चालान पेड करने के बाद जो प्रोसेस आता है पेंडिंग वाला, वो क्यों आता है। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट किए कि हमने फीस पेड कर दी है फिर भी पेंडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ऑलरेडी वाला क्यों नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को हम आज क्लियर करेंगे कि ऑप्शन क्यों आता है, किस लिए आता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो को जानें कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो SBS ने वेबसाइट ने न्यू अपडेट की है, तो काफ़ी दोस्त परेशान है कि इससे हम कैसे समझें, इसे कैसे गाइड करें, क्योंकि इजी है, कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है। पहले था वेबसाइट तो इसी, अभी जो वेबसाइट आई है ना वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छी लगी इनकी जो वेबसाइट। तो काफ़ी दोस्त परेशान हैं कि वेबसाइट पर काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं ऑनलाइन फ़ीस चालान पेड करने का, वो हमें कुछ सिंपली समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आज क्लियरली बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी आपको क्लियरली बताऊंगा ये ऑप्शन क्यों आता है। तो सबसे पहले हम वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन करने के बाद हमारे पास जो पोर्टल आएगा उस पर आएगा वेलकम टू सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद मैंने जो अभी वीडियो रिसेंटली अभी सेंड की है यूट्यूब पे, तो उसमें सारा उसमें चीज़ में मैंने बताया कि जो ऑनलाइन चालान कैसे पैड हो, तो उस चीज़ का मैंने कम्प्लीटली इस वीडियो में मेंशन किया है। तो अभी काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि तो पेंडिंग वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे पोर्टल हमने ओपन कर लिया, ठीक है, लॉगिन हो गया हमारा, तो सबसे हम पहले जाएंगे अवेलेबल जॉब्स पे। तो जिस पोस्ट में हमने अप्लाई किया है, जो जिससे हमारे पास जो भी डिग्री है अवेलेबल है, तो जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, तो सारा हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको तो काफ़ी खोर सारी जॉब्स हैं इसमें, तो जिस अप्लाई करने का रीज़न सी है, आप जैसे समझेंगे BPS 16, तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे, ठीक है। सबसे पहले अप्लाई करने के बाद जो उनका जो प्रोसेस आता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें समझें, और उसको जो भी आपके पास डिग्री होगी अवेलेबल होगी जो आपने मेंशन की होगी, तो उस हिसाब से वो बताएगा कि आप इस डिग्री के लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर हैं तो ओके करें, अगर नहीं हैं तो सॉरी मातर बोलेंगे कि और क्या बोलेंगे। अच्छा, उस सेकेंडली मैं आपको ये क्लियरली बताऊँगा पेंडिंग वाला ऑप्शन इसलिए आता है कि आपके आपने जो भी बिल पेंड किया होगा, पेमेंट्स पेंड की होगी या पेमेंट आपने लगाई होगी इजी पैसा पे या जैस कश्मीर, क्योंकि यहाँ इजी पैसा पे होती अच्छी बात है। अगर देखें आप पेंडिंग वाला जो ऑप्शन आता है, आपका पेमेंट पेंडिंग है, तो आपने या नेटवर्क का इशू होगा, इजी पैसा पे इशू आता है कभी कभी, क्योंकि ये वेबसाइट है ना, नेटवर्क का इशू होता है इजी पैसा, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो टेलीनॉर का जो नेटवर्क है वो बिल्कुल काम का नहीं है। तो इजी पैसा पे काफ़ी दोस्तों के पास एप्लीकेशन है, तो काफ़ी दोस्त इजी पैसा पे समझते कि उसमें जो वेबसाइट है बिल्कुल इजी है। तो मैंने जो सारी इस प्रोसेस उसे मैंने वीडियो में बताई कि कैसे कैसे हम चालान पैड करें, तो मैंने वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं दोस्तों को बताना था कि जो पेमेंट पेंडिंग में आता है, तो इसलिए आता है कि आपका जो वेबसाइट जो इजी पैसा जीज कैश या HPL जो भी है ना नेटवर्क से लोग हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी या उनको या अकाउंट पैसे नहीं आए होंगे, तो उसकी जो अपने डिजिट होते हैं ना, कोड होते हैं, तो वो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास मैसेज चला जाता है, ऑटोमेटिक वो रीसेट कर देते हैं कि आपकी इस पोर्ट पे लिए आप ऑलरेडी पेड हो गए हैं, ऑलरेडी अप्लाइड, ऐसे आएगा ऑलरेडी अप्लाइड, उसका मकसद ये है कि आपकी फ़ीस जमा हो गई है। तो उसके पास सेकेंडली ऑप्शन आता है कि आप जाएंगे अप्लीकेशन हिस्ट्री पर या नीचे आ जाएंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पर, नोटिफिकेशन कभी इस वेबसाइट पर आता है कभी नहीं आता है। तो सेकेंडली मैंने इस एप्लीकेशन इज हिस्ट्री, मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जो मैंने अभी इजी पैसा पे किया था, तो वहाँ यहाँ पे मैंने मेंशन हो गया, तो मैंने 28 डेट को मैंने ये चालान पैड किया था उनकी जो वेबसाइट पर, अभी ये शो हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि ईजी है, सिंपल है। तो जिन्हें इसने जो भी वेबसाइट ओपन की है, कि काफ़ी हम दोस्त परेशान होते थे, बैंकों पे जाते थे लाइन में कतार में खड़े होने की, बेहतर है इजी पैसा पे करें या जैस कैश पे करें या HPL UPL जो भी जिनकी जो है ना, तो मेंशन की हुई आप उन पर ईजीली आप पैड कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी SBS वालों ने, जो ये अभी प्रोसेसिंग ने की स्टार्ट किया है ना, मुझे इस चीज़ में मैं बिल्कुल SBS में थैंक यू बोलता हूँ, स्पेशली मैं थैंक यू बोलता हूँ। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अभी देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है कि इजी पैसे पे आपने चालान पैड कर दिया, ऑप्शन आता है कि या कोई एरर आता है तो आपका पैड
ज़्यादा नहीं होंगे तो वेट करें, क्योंकि जो थोड़ा नेटवर्क होता है एरर होता है, तो आप तकरीबन मेरे ख्याल 10 मिनट 15 मिनट वेट करें, क्योंकि इस पे सभी काफ़ी ऐसा इशू मसले आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस शॉर्ट में, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको लैपटॉप से बताऊँगा कि किस ऑप्शन में हम जाएँ तो कौन सा ऑप्शन आता है। अच्छा देखिए, ये देखो मेरी जो एप्लीकेशन है वो पैड हो गई, मेरा चालान पैड हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे अवेलेबल जॉब पे। अच्छा अवेलेबल जॉब पे जाएंगे, जो मेरा चालान पैड हो गया है ना, तो चालान पैड हो गया, इस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी अप्लाइड, मैंने जो पोस्ट पे अप्लाई किया था। देखिए सेकंड में ये आता है पेंडिंग वाला, पेमेंट पेंडिंग, ये इसलिए आ रहा है कि मैंने इस पर चालान पैड नहीं किया था, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है पेमेंट जो पेंडिंग। ठीक है, इस चीज़ को अभी आपको क्लियर करके बताऊं कि जो नेटवर्क का इशू होता है, इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, ऑलरेडी अप्लाइड, तो मेरा देखिए ये पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, मेरी पास डिग्री है, तो मैं इस चीज़ को मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इस चीज़ का आपको खास ख्याल करना है। ठीक है, ऑनलाइन भी काफ़ी इशू आता है, नेटवर्क इशू होता है, तो उस पर काफ़ी दोस्त परेशान होते हैं कि हमारा ये ऑप्शन क्यों आया है। तो काफ़ी चक्कर यही होता है कि उनके पास पेमेंट नहीं जाती है या एरर आता है ऐप पर, तो इसलिए ये इशू आता है, काफ़ी दोस्तों को इशू ये आता है और काफ़ी दोस्त मेरे परेशान होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका अल्लाह बेहतर करेगा, काम हो जाएगा। तो दुआ में याद रखें, मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।